अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 में, तो ये टॉप 7 बिजनेस आइडियाज आपके लिए हैं, जहां आप 30,000 से लेकर कई लाख तक अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस की एक खास बात ये है कि ये सभी बिजनेस आप बहुत कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिजनेस मित्रा। चलिए कुछ सीखते हैं। सब्सक्राइब टू बिजनेस मित्रा फॉर मोर अपडेट्स। फ्रेंड्स, नंबर 2 पे आता है ई कैफे, यानी इंटरनेट कैफे। ई कैफे जेरॉक्स लेमिनेशन और बुक बाइंडिंग एक स्मॉल बिजनेस आइडिया है। जहां पर हम ई कैफे की बात करें, तो ये जो बिजनेस है, इसको एक पहचान मिली। जो भी इंक्रीजिंग जो डिमांड है, वो हमेशा इंक्रीज होती रही, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है। तो यहाँ पे जेरॉक्स सर्विसेज की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी। एडिशनली जो बुक बाइंडिंग है, उसने भी इस सेक्टर को एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिया, क्योंकि जो बुक बाइंडिंग है, वो नीड से आजकल के टाइम में हर चीज़ को लेके, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई काम करने वाले हो, चाहे कोई ऑफिस हो, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है ये जो बुक बाइंडिंग से रिलेटेड चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, ये जो जो यूनिक कॉम्बिनेशन हुआ ई कैफे, जेरॉक्स मशीन, बुक बाइंडिंग, पीवीसी पेंटिंग, इन सब चीज़ों को लेके इसने इस मार्केट को बहुत बड़ा ग्रोथ दिया। चाहे जो कस्टमर हो, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना हो, स्कैन करना हो, उनको जेरॉक्स करना हो, कोई भी चीज़ जब एक जगह पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ मिलती है, तो ये बहुत अच्छा होता है उनके लिए कि वहाँ पे अपना काम को, जो सोल्यूशन है, उसको वन स्टॉप सोल्यूशन उनको प्रोवाइड होता है और उनको इससे हैप्पीनेस मिलती है। तो ई कैफे जेरॉक्स और बुक बाइंडिंग जो है, वो एक्टिवली एंगेज करता है जो भी लोकल कम्युनिटी होती है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ से आपका इंट्रैक्शन होता है, वहाँ से आपकी एक रिप्यूटेशन बिल्ड होती है, और ये जो कम्युनिटी है, वो लोगों को माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करती है, जिससे जो आपका शॉप है, वो एक बहुत बड़े एरिया में बहुत ही अच्छी तरह काम करने लगता है, और वहाँ पे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है, और वहाँ पे आपको लॉयल कस्टमर है, वो आपके हमेशा बोलने लगते हैं, और जिससे आप वहाँ मार्केट में बहुत अच्छा कुछ कर पाते हैं। इसके लिए मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि इनिशियली जब आप इस काम को करने के लिए जाते हैं, तो एक छोटा सा शॉप लीजिए रेंट के ऊपर, या फिर अरेंज करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो उसका इंटीरियर हो, उसको इम्प्रेसिव बनाइए। जो इंटीरियर डिज़ाइन है, जो भी आपको चीज़ों को, जो भी प्रेजेंटेशन है आपका शॉप का, जब भी कोई आता है, फर्स्ट लुक आपके शॉप को देखता है, तो वहाँ पे जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कस्टमर को एक फेथ हो आपके शॉप को लेके, यहाँ यहाँ काम भी अच्छा होगा और यहाँ का बिहेव भी अच्छा है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस मार्केट के अंदर।